पब्लिक टीवी आपकी आवाज। परेशानियों से जूझ रहे निर्यातकों की आवाज बनकर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल एपीसीएच के चेयरमैन ओपी प्रहलाद का से मिला। चेयरमैन ओपी प्रहलाद का से मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नजमुल इस्लाम के द्वारा किया गया और ज्ञापन सौंपते वक्त विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। कुछ तो जीएसटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोगों ने फुल ड्रॉबैक बेनिफिट लिया, उसके चलते जुलाई अगस्त सितंबर का इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुद्दा हम लोगों ने सरकार से टेकअप किया है। और दूसरा था जीएसटी रिफंड का। जीएसटी रिफंड के बारे में मैंने यहाँ जो प्रेजिडेंट मेंबर्स थे उनको समझाया है कि वो सिस्टम में विजिट करके जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको समझ करके उसको सॉल्व लोकल लेवल पे करने की चेष्टा करें। उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होती है तो वो हमें उसकी एक रिप्रेजेंटेशन भेजें, तो हम फर्दर टेकअप करके उसको सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। सरकार ने हमें एक बहुत सीनियर ऑफिसर असाइन किया है जो ऑल ओवर द कंट्री जीएसटी की जो प्रॉब्लम है रेसिडुअल, उसको वो सॉल्व करने में हमें मदद कर रहे हैं। इस दौरान ड्रॉबैक की बात करते हुए कहा गया कि एसोसिएशन ने ड्यूटी ड्रॉबैक का डाटा भेज दिया है और ड्रॉबैक के रेट वित्त मंत्रालय से बढ़वाने की मांग की गई है। ड्यूटी ड्रॉबैक का डाटा बनाकर हमने सब तैयार, हमसे पूछा गया आपने ड्यूटी ड्रॉबैक का डाटा बनाकर दे दिया, हमने बताया ड्यूटी ड्रॉबैक का पूरा डाटा बनाकर दे दिया है। और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है उसके लिए हमारे निर्यातकों ने कुछ क्लस्टर के बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए, उन्होंने उसका भी आश्वासन दिया अगर आपको कोई समस्या है, आपको किसी समस्या का पता चलता है कि आप ऐसा है तो आप हमें लिख के हमें मेल भेज दीजिए, उसका हम तुरंत निस्तारण करेंगे। एमडी ग्रांट की समस्या का जहाँ तक हमने उठाया तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इसको हम देखेंगे। और तीसरा मुद्दा, सबसे पहले जो हमने ग्रेटर नोएडा में जो एक्सपो मार्ट में जो फेयर लगता है उसमें भी हमने एमडी ग्रांट मांगी है, उन्होंने कहा इसको भी हम एपीसीएच के डायरेक्टर राकेश कुमार जी से बात करेंगे और ये हमारे एजेंडे में है, इसको भी हम देखेंगे। वहीं फोकस का समय बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसमें 2022 तक फोकस दिए जाने की मांग हो रही थी, क्योंकि जून 2018 तक ही फोकस निर्यातकों को दिया जा रहा था। तो फोकस में उन्होंने ये बताया कि हमने 3 महीने के लिए फोकस और बढ़ गया है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हमने मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ने सबसे बड़ा मुद्दा फोकस के लिए ही उठाया था कि इसका फोकस का समय जो है 2020 तक किया जाए, लेकिन अभी उन्होंने हमारी मांगें 3 महीने के लिए मांग ली हैं और हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो फोकस है ये 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी इशू होगा। इस पर त्वरित जवाब देते हुए चेयरमैन ओपी प्रहलाद का ने कहा कि सरकार ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया है। जो एमईआईएस का बेनिफिट 30 जून तक अर्लियर अनाउंसमेंट के हिसाब से था, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उसकी मियाद 3 महीने तक बढ़ा दी गई। तो वहीं अन्य मांगों में कहा गया कि जीएसटी की दरें कम कराई जाएं, क्योंकि निर्यातकों पर जीएसटी 18% चार्ज की जा रही है। मुरादाबाद में एमडीए के द्वारा विकास शुल्क वसूला जा रहा है। एमडीए 259 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर लागू कर रहा है, उसे 100 रुपए कराए जाने की मांग की है। एमडीए ग्रांट की भी मांग की गई है और कहा गया है कि जो ग्रांट दी जा रही है वो बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाए। हमने आईजीएसटी के बारे में डिस्कशन किया और फोकस को बढ़ाने के बारे में डिस्कशन किया और जो ईरान को जो हमारा शहर से निर्यात हो रहा है, हमारे निर्यातक परेशान है क्योंकि वहाँ पे बैन लगने की वजह से तकरीबन 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के निर्यात माल तैयार हैं और वो यहाँ से शिप नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे और आगे के क्लस्टर के मुद्दों पे हमारी उनसे वार्ता रही। और चूंकि प्रहलाद का जी खुद में अपने आप में बहुत लर्नेड मैन है और बहुत डिवोटेड ईपीसीएच के चेयरमैन हैं, तो हमारी दोनों ही संस्थाओं को पूर्ण रूप से उम्मीद है कि वो इन सारे मुद्दों को आगे मिनिस्ट्री तक उठाएंगे और इसका निर्यात के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए एक पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। नेतृत्व कर रहे नजमुल इस्लाम ने कहा कि ये सभी समस्याएं निर्यातकों की मुख्य समस्याएं हैं, इन्हें जल्द से जल्द हल कराया जाए। तो वहीं सबसे अहम और मुख्य मुद्दा रहा ईरान का। करीब 500 करोड़ का माल मुरादाबाद में तैयार है, लेकिन शिपमेंट नहीं जा पा रही, जिससे निर्यातकों को परेशानी हो रही है।
इस पर आश्वासन दिया गया कि सरकार के सामने ये समस्या रखी जाएगी और हल निकाला जाएगा। हमने मुद्दा उठाया सबसे पहले ईरान का, क्योंकि ईरान की जो शिपमेंट है सब लोगों की रुक गई है और सारे लोगों का माल तैयार है। कहीं पर अगर पोर्ट पे पोर्ट माल तैयार है, मुरादाबाद में करीब 500 करोड़ रुपए का ईरान का माल तैयार है। उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप हमें भेजिए लिख के और हम इसको मिनिस्ट्री में आगे लिखेंगे, इसकी समस्या का समाधान हम करेंगे। तीसरा मुद्दा हमारा था जो हमें जो हाउस टैक्स का मसला है, जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स एक ही लगता है और उसमें फैक्ट्री के ऊपर 5 गुना टैक्स लगा दिया गया है, उसके लिए भी हमने उनके आगे मांग रखी। चेयरमैन ओपी प्रहलादका ने बताया कि निर्यातकों की समस्याओं से संबंधित एसोसिएशन के सदस्य और निर्यातक मिले हैं और सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। ईरान के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स के चलते लोगों ने माल बना रखा है और अभी अमेरिका की पॉलिसीज के चलते ईरान माल भेजने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ट्रेड के जो इतने सारे रुपये रुके हुए हैं उसके सोल्यूशन के लिए एक चेष्टा करने के लिए मेरे को बताया गया है, जिसके लिए मैंने बताया कि मेरे को डिटेल आप भेजिए, आई विल टेक इट अप, EPCH विल टेक इट अप। इस दौरान नजमुल इस्लाम, कमल सोनी, परवेज आलम, अरविंद बडेरा, नदीम अहमद, जुबैर अहमद, अनुशेष सिंह, हेमंत जुनेजा, शरद बंसल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। हम लोग अभी प्रहलादका जी से मिले थे और हम लोगों ने मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की तरफ से अपनी जो हमारे इंडस्ट्री के इश्यूज आ रहे हैं वो हमने उनके सामने रखे और उनसे अच्छी डिस्कशन हुई। GST के बारे में भी हमने उनको बताया और जो 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 इश्यूज आ रहे हैं रिफंड में और क्लस्टर्स के बारे में भी हमने उनको बताया जो इश्यूज आ रहे हैं और अच्छी डिस्कशन रही। उम्मीद अच्छी है, उम्मीद उनसे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला हमारे को और हमें उम्मीद है कि उनकी तरफ से EPCH की तरफ से हमारे को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जी से बात हुई, EPCH का जो ग्रांट बढ़ाने की बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर बात करेंगे और जल्दी कुछ ना कुछ होगा। पब्लिक TV आपकी आवाज़।